एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। विनोद बिहारी महतो के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और स्वागत गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि प्रभारी कुलपति को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में नव नियुक्त शिक्षकों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों का महासचिव ने अपने संबोधन में स्वागत किया। प्रभारी कुलपति ने प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने कहा कि शिक्षकों का सोसाइटी में बहुत ही महत्व है। आगे का सही मार्गदर्शन देना शिक्षकों का काम है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में शिक्षकों की बहुत कमी थी, इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही थी। अब नव नियुक्त शिक्षकों के आने से रेगुलर क्लास होना शुरू हो जाएगा। देखिए, टीचर्स का जानते हैं, जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया, बिकॉज एक दिन मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ और ये टीचर में ही ज्वाइन किए हैं। टीचर का ही इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, उसके कारण ही हमारा सोसाइटी अच्छा डेवलप करता है, हमारा स्टेट डेवलप करेगा और इवन तो शिक्षक का महत्व बहुत ही। तो मैं तो समझता हूँ कि जो इन लोग आए यहाँ ज्वाइन किए हैं, उससे जो शायद वो बहुत से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट आए हैं जो दूसरे में जॉब कर रहे हैं वो छोड़कर यहाँ ज्वाइन किए हैं, मतलब टीचिंग की। तो इसको देखते हुए मैं यहाँ आकर उनका सम्मान करना, आई थिंक मैं खुद एक टीचर बनना चाह रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं मैं हमारे दिल में छुपा हुआ था कि मैं उनके साथ मिलूं और अगर उनको खुशी मिलती है और आगे अच्छा करने का उनको मौका मिलता है तो इससे बढ़कर क्या सर। शिक्षकों की कमी यहाँ पर लगातार देखी जाए, अभी और कितने शिक्षक की जरूरत है? देखिए, शिक्षकों की कमी बहुत है, हर जगह है, और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी उसकी कमी को पूरी कर दी जाए।